मदरबोर्ड्स के अंदर 8 GB मिलेंगे जी, ये काफी बढ़िया है। तो भैया जी कैसे हैं आप लोग, हम फिर आ चुके हैं अपने रजत भैया के साथ और यहाँ पे बताने वाले हैं K25 कंप्यूटर्स पे हम आ गए हैं। रजत भैया हमारे पीछे खड़े हैं। भैया जी क्या हाल चाल है? बहुत ही बढ़िया भैया। तो हमारी दूसरी वीडियो बन रही है और आज हमें भैया जी क्या बताने वाले हैं, मदरबोर्ड्स और प्रोसेसर? मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, आपकी जितनी भी आपकी RGB रैम्स वगैरह हो गई, सभी चीजें हम आप आज कवर करने वाले हैं। सो हम सबसे पहला बेसिक मदरबोर्ड की बात करें तो बेसिक मदरबोर्ड आपको मिल जाता है इंटेल का 10th जनरेशन का मदरबोर्ड, जो कि आपका एक H410MH, जिसमें आपको ग्राफिक कार्ड के स्लॉट मिल जाते हैं, 2 रैम के स्लॉट मिल जाते हैं, NVMe स्लॉट है, HDMI पोर्ट है, ये सारी इसमें जो इसकी बेनिफिट्स हैं वो मिल जाएंगे। इसकी प्राइसिंग रहती है आपकी 5500 रुपीज की। और इसमें क्या क्या, मतलब अगर कल को हम अपग्रेड करना चाहते तो क्या क्या इसमें अपग्रेड कर सकते हैं हम लोग? जी, तो इसमें आप अगर जैसे प्रोसेसर अपग्रेड करते हैं i5 10th जनरेशन पे, जो कि क्योंकि आपका जो मदरबोर्ड है 10th जनरेशन को ही सपोर्ट करता है, okay. तो इसमें आप i5 भी लगा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाते हैं और इसमें अच्छा सा प्रोसेसर लगाते हैं तो i5 लगा सकते हैं। इसमें 2 रैम के स्लॉट दिए हुए हैं, अगर आप एक चैनल पर चला रहे हैं 8 GB की रैम, 8 GB की एक और लगा सकते हैं, 16 GB हो जाएगी, NVMe का स्लॉट है तो स्टोरेज भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। इसका प्राइस क्या बताया आपने? 5500। और इसके ऊपर बढ़े तो? इसके ऊपर बढ़े तो फिर आपके आते हैं H470, जो कि आपका फिर से इंटेल का मदरबोर्ड है, आपका H470 MDS3H, जिसमें आपको 2 NVMe के स्लॉट मिल जाते हैं, 4 रैम के स्लॉट्स मिल जाते हैं। अगर आप जैसे 2 रैम स्लॉट्स यूज़ कर रहे हैं 8 GB की 2 स्टिक्स, तो आप 2 8 GB की और लगा सकते हैं, जो कि आपको एक्सपेंशन मिल जाएगा उसमें। ओके ओके, तो टोटल इसमें कितने रैम के स्लॉट दिए हैं? 4 रैम स्लॉट। और उसमें कितने दिए थे हमारे? उसमें 2 रैम थे, उसमें 2 मिलते हैं, इसमें 4 मिलते हैं। इसकी प्राइसिंग क्या है? ये आपका मिल जाएगा 8500 रुपीज। ओके, तो इसमें अगर कल को अपग्रेड करना चाहे हम प्रोसेसर तो उसका भी ऑप्शन मिलता है हमको? जी, आप इसमें कोई भी 10th जनरेशन का प्रोसेसर चला सकते हैं, मतलब i9 तक भी? हाँ, i9 तक भी चल जाएगा। और ग्राफिक कार्ड अगर इसमें लगाना चाहे तो हम कल को? और ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसमें ग्राफिक कार्ड के 4 स्लॉट दिए हुए हैं, आप इसमें 4 ग्राफिक कार्ड आराम से लगा सकते हैं। ओके, तो कौन कौन सा ग्राफिक कार्ड बेसिकली सपोर्ट कर देगा? सारे ग्राफिक कार्ड सपोर्ट कर देगा, डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, कितने GB रैम यूज कर रहे हैं, सो दैट कि वो आपसे बॉटलनेक ना करे। ओके, तो इससे ऊपर अगर हम बढ़े तो कौन सा रहेगा? और इससे ऊपर इसमें हम एक चीज और बात कर लेते हैं, AMD आता है, तो AMD में आपको मिलेगा 450, जो कि आपका राइजन का जो आपका मदरबोर्ड है वो मिल जाएगा। इसमें आपके राइजन का 5 हो गया, राइजन 3 हो गया, राइजन 7 हो गया, ये सारे कंपेटेबल हैं। तो अब हो गए हमारे ये बेसिक से मदरबोर्ड्स, हम मदरबोर्ड्स में थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। सो इसमें आपको एक तो मिल जाएगा ऑरस की तरफ से B360 ऑरस गेमिंग 3 वाईफाई, जो कि आपका एक वाईफाई बेस्ड मदरबोर्ड है, जिसमें आपको इनबिल्ट वाईफाई देखने को मिल जाता है, RGBs देखने को मिल जाती हैं मदरबोर्ड्स के अंदर ही, और ये आपका सपोर्ट करता है RGB 2.0, जिसमें आप अपने जितने भी फैंस हैं RGB के, जितने भी आपके ग्राफिक कार्ड में RGBs दे रखी हैं, वो सब एक साथ सिंक कर सकते हैं। ओके, तो ये काफी बढ़िया कि सबकी लाइटनिंग वगैरह आपस में सिंक कर सकते हैं और आपको मदरबोर्ड में ही RGB कलर सारे अवेलेबल हैं जी। तो ये इसका क्या प्राइसिंग बताया आपने? सो ये आपका मिल जाएगा 13,000 रुपए का, ये है आपका इंटेल का 9th जनरेशन मदर प्रोसेसर के साथ कंपेटेबल होता है। ओके ओके जी, तो मतलब 9th से अगर कम लगाना चाहे तो? 9th से कम लगाना चाहे तो इसमें 8th जनरेशन भी लग जाएगा आपका। 8th, मगर ये स्पेशली 9th के लिए बनाया गया है। 9th और 8th दोनों लग जाते हैं इसमें। 9th और 8th दोनों का मतलब परफॉर्मेंस अच्छा ही मिलेगा। जी, जी, जी। और ग्राफिक कार्ड स्लॉट इसमें कितने मिलते हैं हमको? ग्राफिक कार्ड के 3 स्लॉट देखने को मिलते हैं इसमें, और रैम के 4 स्लॉट। रैम के 4 स्लॉट और ग्राफिक कार्ड के हमको 3 स्लॉट मिलते हैं, और ग्राफिक कार्ड सभी हम इसके साथ बेसिकली मेरे ख्याल से यूज कर सकते हैं। और कौन सा मतलब ऊपर जाए तो हम अगर? सो और थोड़ा सा और ऊपर जाए तो इसमें वैसे मदरबोर्ड का भैया ये बताइए आपकी क्या फर्क पड़ता है, अगर मदरबोर्ड हम बहुत अच्छा लेना चाहिए तो मतलब बेकार लेते हैं अच्छा लेते हैं, क्या मतलब मदरबोर्ड का ओवरऑल हमें कैबिनेट में फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ता है कुछ तो आपके थोड़ा लुक्स पे फर्क पड़ता है और कुछ उसका पावर सेक्शन होता है, उस पर डिपेंड करता है आप प्रोसेसर कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर कोई बहुत ही आपका हंग्री प्रोसेसर है जो कि आपको बहुत ज्यादा पावर लेता है तो वो आपका मदरबोर्ड जो है नहीं संभाल पाएगा, जिसके लिए आपको एक अच्छा मदरबोर्ड जरूरी है। ओके, तो नहीं संभालेगा तो पावर अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, उसके लिए मदरबोर्ड इंपॉर्टेंट होना चाहिए जी। ओके, तो आपने अगला कौन सा बताया हमको? सो अगला मैं बताने जा रहा हूँ आपका, ये एक AMD बेस्ड मदरबोर्ड है B450 Aorus Elite, इसमें भी आपको RGB देखने को मिल जाती है, RGB 2.0, जिसमें आप सारे RGB सिंक कर सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग रहती है आपकी 9500 रुपीज़ की। 9500 रुपीज़ की, और इसमें भी आपको वाईफाई सब कुछ मिलेगा RGB? नहीं, ये विदाउट वाईफाई है। अगर हम वाईफाई की बात करें तो इसमें आपका आता है B450 Aorus Pro वाईफाई, ये भी आपका सेम वही मॉडल है विद वाईफाई, और इसमें इसकी जो कॉस्टिंग रहती है आपकी रहती है 13,000 रुपए की, और इसमें आपको 8 GB मिलेगा ही मिलेगा। वो बेसिकली ये उसी के सारे मॉडल हैं जी जो आपने यहाँ पे हमको दिखाया, ये
ये इसी आपका के? इंटेल वाला है ये okay. जो हाँ ये आपका इंटेल 8th और 9th जनरेशन प्रोसेसर सपोर्ट करता है और ये जो है आपका एएमडी बेस्ड प्रोसेसर है ये एएमडी के प्रोसेसर सपोर्ट करता है ये एएमडी के सपोर्ट करता है वो इंटेल के सपोर्ट करता है दोनों में प्राइसिंग में क्या डिफरेंस बताया आपने वो आपका 13000 रुपए का है ये भी आपका 13000 रुपए का प्राइसिंग में ज्यादा फर्क और आरजीबी आपको दोनों में ही मदरबोर्ड में मिलता है वाईफाई मिलता है वो सारी चीज आपको मिलती है और ऊपर जाए तो अगर हम इसमें और ऊपर जाते हैं तो इसमें आपके आते हैं Z590 जो कि आपके बेसिकली ओवरक्लॉकिंग के लिए मदरबोर्ड्स बने होते हैं okay. ये है आपका Z590 और एलीट AX जो कि आपका एक इनबिल्ट वाईफाई वाला है जिसमें आपको AX वाला वाईफाई मिलता है वाईफाई 6 और ये आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट भी देता है ओके इसमें डुअल बैंड मिलता है और उन सब में सिंगल बैंड मिलता है सिंगल बैंड हाँ उनमें सिंगल नहीं उस होता उनमें भी डुअल बैंड है बट इसमें जो वाईफाई है वो थोड़ा एडवांस वाला है ओके ओके तो वाईफाई इनबिल्ट आपको मिलता है कोई भी आपको अलग से अडैप्टर नहीं लेना पड़ेगा नहीं लेना। वो तो यार पैसा लगा रहे हो तो कितना पैसा बताया आपने इसका सो ये आपका पड़ेगा 21500 रुपए का तो ये बेसिकली स्पेशली इंटेल के लिए ये है आपका इंटेल के लिए और अगर आप इसमें i9 का जो K सीरीज का प्रोसेसर है जो कि आपका अनलॉक होता है ओके उसको आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं ये काफी बढ़िया अगर आपको ओवरक्लॉकिंग करनी है तो उसके लिए मदरबोर्ड काफी बेस्ट रहेगा अगर हम बात करें हाई एंड मदरबोर्ड का AMD में तो AMD में आता है आपका X570 Aorus Pro ये आपका बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है ओवरक्लॉकिंग इसमें बहुत आराम से होती है और ये आपका SSD 4.0 सपोर्ट करता है जो कि आपकी सबसे लेटेस्ट Gen 4 SSD जिसको हम बोलते हैं वो सपोर्ट करता है और इसमें आपको इनबिल्ट फैन मिल जाता है और RGB का जो आपको RGB की लाइट्स हैं वो देखने को मिल जाती है इसमें इनबिल्ट फैन भी मिलता है जी इसमें इनबिल्ट फैन इसलिए मिलता है क्योंकि अगर जब आप जो प्रोसेसर है उसे ओवरक्लॉक करते हैं तो उसमें आपकी पावर जो है थोड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको फैन इसमें बेसिकली कहाँ मिलता है वो तो आप लगाएंगे अलग से प्रेसर के ऊपर नहीं इसमें एक मदरबोर्ड पे भी फैन मिलता है जो कि आपको मदरबोर्ड की हीट को रोकने के लिए होता है मदरबोर्ड की चिप्स वगैरह को कूल करता है हाँ। और प्रोसेसर का अलग होता है उसका अलग होता है इसका क्या प्राइसिंग बताया आपने ये आपका पड़ेगा 21000 रुपए का ये 21000 का पड़ेगा आपको इसमें आपको RGB डुअल बैंड वाईफाई मतलब सभी ऑप्शन मेरे ख्याल से सब मिलेंगे और लेटेस्ट SSD भी सपोर्ट करता है ये तो आपको मेरे ख्याल से अगर कितना भी हाई एंड का गेमिंग PC बनाना हो 2 लाख तक मेरे ख्याल से इसको यूज कर सकते हैं हम लोग 2 लाख में आराम से यूज कर सकते हैं इसको 2 लाख 2.5 लाख तक में इसको आराम से यूज कर सकते हैं मिनिमम इसको ऐसे हम किस ग्राफिक कार्ड के साथ और कौन सा प्रोसेसर बेस्ट रहेगा इसके साथ यूज करने के लिए अगर आप AMD के प्रोसेसर कोई भी लेते हैं और उसमें आपको अगर ओवरक्लॉकिंग परफॉर्म करनी है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है और ग्राफिक कार्ड तो आपका कोई सा भी इसके साथ लग जाएगा और प्राइसिंग इसकी क्या बताई आपने ये आपका 21000 रुपीज और इससे अगर ऊपर जाए तो इससे अगर और ऊपर जाएं तो आपके फिर आपके Aorus Ultra आते हैं इंटेल बेस्ड X570 Aorus Extreme एंड Z490 Aorus Ultra ये Aorus कैसा ब्रांड है भैया ये बताइए गीगाबाइट का ही एक सब्सिडियरी ब्रांड है जो कि आपके गेमिंग ग्रेड्स के प्रोडक्ट बनाता है ओके जी तो गाइज यहाँ पे भैया जी सारे मदरबोर्ड्स तो मतलब कवर हो ही गए हैं हर तरीके के मदरबोर्ड बेसिक से लेके बेसिक कितने का बताया भैया आपने ये भी आपको कौन से ब्रांड की तरफ से ये Aorus है जो कि आपका गीगाबाइट का एक सब्सिडियरी ब्रांड है जो कि आपका गेमिंग प्रोडक्ट बना रहा है और दोनों पे वारंटी तो आपको सेम ही मिलती होगी मतलब वारंटी सब में 3 साल की मिलेगी 3 साल की